अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जहाँ जाने वाले हैं उस जगह का नाम है दरह चिनाब जाएंगे आज हम, और वहाँ पर आपको एक रवा का कदीम तरीन पुल भी दिखाएंगे जो अंग्रेज़ों के दौर में बना है। तो आपको एक वहाँ पर एक और जगह दिखाएंगे जो कि पाकिस्तान इंडिया के हवाले से है, मतलब कि 1965 की जंग में इंडिया का बॉम्ब गिरा था, तो वो जगह दिखाएँगे। पर वो जगह बच गई है, उसकी वजह हम आपको बताएँगे वहाँ जाके, और वो जगह दिखाएँगे। तो इसका नाम है अहमद ज़की और इसका नाम है अब्दुल हई। और मेरा नाम क्या भाई, क्या नाम है? मेरा नाम भाई। सब लड़कियों का भाई ज़िया भाई। ये यार ये तो गाइज आज का जो व्लॉग है उस पर हम करेंगे बाइक पे, यानी हम आपको दिखाएंगे दरियाए चिनाब का पुल इस बाइक पे जाते हुए। तो जब आपको पता है कि बाइक पे जब हम जाएंगे तो उसके लिए हमें काफ़ी सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है उसको भी लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें एक हेलमेट चाहिए। तो हेलमेट किधर है भाई, हेलमेट तैयार है? ये देखिए हेलमेट, इसको आपने लेके जाना है, इधर रखें और चलें। हमने अपना सफर का आगाज कर लिया है और हम आधे तकरीबन आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। सफर छोटा ही है और हम मेन रोड पे हैं। ब्लॉग शक्लों पे नहीं जाना, शक्लें तीनों की नहीं। गाइज हम जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम जो है वो आपको इस ब्लॉग में दो से तीन जगह जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम जो है वो अपनी पहली जगह पे जो है वो पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं हमने पहुंचना है वो ऊपर, अगर आपको नज़र आ रहा हो वो पहाड़ी पे जो है वो हमने वहाँ पे जाना है। मेरे साथ मौजूद हैं दो चवले और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ओ तू तो परा हो जा, मैं वीडियो बना लें दे। नवा वीडियो नहीं बननी, बननी है तू एदा। नाजरीन ये जो छलियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये खिदमत खलक के तौर पर अवाम के लिए फेंकी गई हैं। क्या ख्याल है, हम भी ना छलियाँ खाएं आज कि नहीं? नहीं जाएं फिर आज? मैं तो यार भी खाना खाया। क्यों अब्दुल भाई, इतनी ज़्यादा छलियाँ? पैसे ना मांग ले यार, हमसे पैसे ना मांग ले, पैसे देते हमें मौत पड़ती है। आगे बड़ी मुश्किल से 20 रुपये का मैं बाइक खड़ी करके आया हूँ स्टैंड पर, एक हमें सुबह उठते मौत पड़ती है और एक हमें पैसे देते मौत पड़ती है। हाँ सही बात है, सही है। लड़के से दोस्त मुझे नजर आया, उसे उधार लिया मैंने 10 रुपए और फिर बाइक खड़ी करके आया स्टैंड। मेरे से लिया 10 रुपए इसके और 10 रुपए उधार लिए। और इसके पास जो ऐनक थी वो ज़िया भाई की थी, और ज़िया भाई को जब वो मौत पड़ गई थी साथ देते हुए ऐनक साथ ही, और मैंने ऐनक उतार दिया है। ये देखे नाजरीन, जब अपनी मांगी हुई ऐनक कोई और मांग ले तो ऐसा हाल हो जाता है। वो ऐनक बगैर तो भाई बहुत ही कोजा लग रहा है। यार मैंने किसी से मांगी थी, इसने बच्चे में से मांग लिया। यार ये ऐनक के साथ भी ऐसे इतना कोजा लगता है। चलो यार उन दे दो इनके ऐनक वापस चली जा, मरना ना हो गया।
अब हम पहुंच चुके हैं इधर पहाड़ी के ऊपर। तो ये आप सूरत मनाजर ये दिखाओ, इधर सारे मनाजर दिखाओ, ये दिखाओ क्या। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वो है मजबूर व्लॉगर्स, तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपने दोस्तों लाजमी करना है इस चैनल को, और आपने कमेंट्स में बताना कि आपको हमारा नाम कैसा लगा। मजबूर व्लॉगर्स हैं, यूनिक नाम है, यूनिक नाम मत भूलिएगा, मजबूर व्लॉगर्स। चकला मिला जाए। असल में हमने ये नाम इस तरह सोचा कि हम तीनों क्लासरूम में बैठे हुए थे। हाँ जी, तो हम इसमें सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, हमारे जो पेपर्स हैं वो करीब है, हमारे पेपर करीब, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। तो अब हमने नाम रखा मजबूर व्लॉगर्स, ये चांद से मेरे जेन में नाम आया, तो ये भाई हमारे जहाँ भाई जो है ना इनके नाम है, जिया भाई का नाम तो आप समझ गए होंगे हमने। तो अब हम जाने लगे हैं उस कदीम पुल की तरफ जिसका हमने शुरू में आप लोगों के शुरू में जिक्र किया था। तो अब हम आपको दिखाएंगे सारा, और वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर इंडिया का बॉम्ब आके गिरा था। तो भाई तुमने कभी बॉम्ब देखा? नहीं देखा। शीशा देखा करो बेटा, शीशा देखा करो। चलो अब चलते हैं। गाइस अब हम नीचे आ चुके हैं वहाँ से, और अब हाँ इधर से ऊपर आई ये पहाड़ी पर नज़र आ रही है आपको। तो अब यहाँ से हम नीचे आ चुके हैं, तो अब जाने लगे हैं उस जगह पे जिसका हम शुरू में आपको जिक्र किया था। इसी पटरी से आगे हमने उसी पुल की तरफ जाना है जो अंग्रेजों के दौर का बना हुआ। गाइस 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 अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजबूर व्लॉगर्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मजबूर व्लॉगर्स फैमिली का हिस्सा बने, हिस्सा मजबूरियंस भी मजबूरियंस। अच्छा गाइस ये हम आपको मैसेज का पर आ गए, ये देखिए हमारे पुल पे जाने लगे हैं, इस तरह की पहाड़ी है ये हेलमेट और ये पुल के लिए अंग्रेजों ने अपनी पहाड़ी गुजारने के लिए पुल को दो ही समय तकसीम कर दिया। और मैं पूछ रहा हूं ये देखिए पहाड़ी गुजारने के लिए पुल को दो ही समय तकसीम कर दिया। आई सब अपनी कमेंट्री लगे हैं करने बैठ के, अब ये देखे कि हम इस वक्त जो है वो ये जो ट्रेन की जो पटरी है वो दो पहाड़ियों के दरमियान में से गुजर रही है। अब देख सकते हैं अगर आपको नजर आए तो जल्दी करें, अब काटो टोटा की जान दावे, सब्सक्राइब करो। ए जो लाल बटन लग रहे हैं ना थले नजर तानू आ रहे, ये तो खलो के नचो जो मर्जी करो, ए वो चिट्टा होना चाहिए, ये चिट्टा होना चाहिए बस। ये जो रेड कलर का बटन नजर आ रहा है इस वीडियो के नीचे, ठुड्डा मार, ठुड्डा मार, थुक सुटो जो मर्जी करो, बस वो सफेद होना चाहिए यार, सफेद कर दो, लाल नहीं रहना चाहिए वो, उसको सफेद करो यार किसी तरह, चूना छोड़ दो, चूना छोड़ दो। अब्दुल हई के लेसेस खुल गए हैं, तो वो लेसेस बंद कर रहे हैं अपने। हाँ जी, और ऐनक तो यार सही करो अपनी। तो गाइस अब हम बाइक का इंतजार करने कर रहे हैं, हमारी बाइक लेने गया जो हमारा ऑफिशियल ड्राइवर है इस चैनल का, जिसको हमने हायर किया, चैनल का ड्राइवर है, यस चैनल का। जब भी हम अपना व्लॉग बनाएंगे हम इसी को ड्राइवर चुनेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी टाइप का। ये हेलमेट पकड़ो ना तुम, किस हम किस लिए आए यहाँ पर, हेलमेट पकड़ो। हाँ अब वो बाइक ले रहा है, बंदे यहाँ से बाइक ले रहे हैं, ये अगर हम आपको दिखा सकें, बहुत बेचारे का मुंह उदास हुआ है क्योंकि उसने 10 रुपये और मांग लिया, उसने कहा नहीं है, उसने 10 रुपये और मांग लिए, वो पैर ही पड़ गया जाके। जकी जकी बाइक ले आओ यार, हाथ ला दो, ले आओ यार बाइक ले आओ जल्दी। हाँ तो अब हम चलते हैं उस पुल, हमने अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ सफ़र शुरू कर दिया अपना, जो क्या है अंग्रेज़ों वाला पुल, उसके ऊपर मौजूद है हम, उसके ऊपर फिलहाल मौजूद है ये देखिए। और ये आपको बता दूं कि जो साथ वाला पुल आपको अगर नज़र आए वो दिखाओ भाई इनको साथ, वो जो पुल है उससे ज़्यादा ये जो है ये मजबूत पुल है, और ये 100 साल पुराना ये तो ये पुल है, और उससे ज़्यादा मजबूत मजबूर नहीं है ना, तो मजबूर निकला था, तो असल में मजबूत कहना था, मजबूत पुल है, मजबूर नहीं है आपका, एक दफा भी इसको ठीक नहीं कराया ना, और इंडिया बहादुर ने लग रहा है पानी थोड़ा हुआ मुझे लग रहा है, अगर हम इधर ही रोक दें अगर बाइक तो यार उतरो यार, ना कोई टांके शंके लगे इसको तब तक, ना कोई पंचर लगा, ये देखें पंचर।
तो ये देखिए इंडिया बहादुर ने, मुझे लग रहा है पानी भी छोड़ा है आज बहादुर ने। हाँ इंडिया बहादुर है, इंडिया बहादुर है यार है कि शुगर है इंडिया बहादुर। तो अब हम जो है वो स्कूल पे मौजूद हैं। तो इंडिया वैसे बहादुर कोई नहीं है, हमने वैसे ही कह दिया इंडिया बहादुर। हम तंज इंडिया कर रहे हैं, आपने सच नहीं समझना, शौक नहीं होना ठीक है ना। हम तंज कर रहे हैं। तो चलो यार अब उधर चले यार, चलो वो दिखाओ इनको कि हमने किधर जाना है। वो सामने वो हमने आइसक्रीम भी खानी है अभी, अगर भाई फ्री देते हैं तो। यार गल सुनो ना, तुम इन्ने सोने ना, वो पठान है ठीक है, इसलिए ना इसलिए चुप करके अपना काम करो। चलो यार चलो 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 चलो। तो दोस्तों ये है वो मिसाइल जो 1971 की जंग में भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। और दोस्तों इसका मकसद, इस मिसाइल का यहाँ फेंकने का ये था कि ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है जो फैसलाबाद को जोड़ता है सरगोधा से, तो इसको तबाह करना है। ट्रेन का पुल उस वक्त जो था वो काफ़ी कार आमद था इस वजह से, तो इसको तोड़ना था। लेकिन खुदा ताला ने जो है वो बड़ा फजल किया और ये जो मिसाइल था वो दरिया के अंदर गिर गया था, और इसे जो है वो इस यादगार के तौर पे यहाँ पर जो है वो रखा गया है। हो चुका है तो अब हम इधर बैठे हैं, कुछ खाने पीने लगे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको, क्योंकि बहुत खूबसूरत शहर है, अगर आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कुछ आप मालूम हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि उस पर ब्लॉग बनाएं। दूसरी बात ये कि हमने, ये हमारा पहला ब्लॉग था, तो जारी बात है कुछ गलतियाँ हमने भी की, कुछ चूसें हमने भी मारी हैं, बहुत मारी हैं। तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है। चूसे सम्राट क्या, चूस का मतलब है कि जुगत मारने की नाकाम कोशिश। हाँ नाकाम कोशिश, वो जुगत की बजाय यबली बज जाती है। यबलियाँ यबलियाँ कहते हैं। उसको इग्नोर करना है और हमें दूसरी चीज़ों के बारे में जो हम गलत की हैं उनके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम अगली दफ़ा उनको सही करने को इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, ज़रूर इम्प्रूव करेंगे।